हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी बाय जेटी केंट और उनके द्वारा दी हुई लेक्चर नंबर 1 द सिक के बारे में हम बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में डॉक्टर केंट कहते हैं, होम्योपैथी असर्ट्स दैट देयर आर प्रिंसिपल विच गवर्न द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड द ओल्ड स्कूल डिक्लेयर्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपेंड्स इंटायरली अपॉन एक्सपीरियंस अपॉन वॉट कैन बी फाउंड आउट बाई गिविंग अप मेडिसिन टू द सिक। डॉक्टर केंट ने कंपेरिजन किया है कि हमारी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रिंसिपल्स पे काम करती है और जहाँ की ओल्ड स्कूल हैज नो प्रिंसिपल्स, ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो लोग एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करते हैं, इनके कोई लॉ या रूल्स नहीं होते हैं। ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन एंटायरली डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंट, शिफ्टिंग मेथड्स ऑफ थ्योरीज एंड ओल्ड डिस्कवरीज आर एबॉलिश्ड बाय अराइवल ऑफ न्यू वन। इसका मतलब ये है कि ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन ओनली पुराने एक्सपेरिमेंट्स या शिफ्टिंग मेथड, यानी कि अगर कोई न्यू थ्योरी आ गई तो पुरानी वाली थ्योरी रिप्लेस कर दी जाएगी, इन्हीं सब पे बिलीव करती हैं। ओल्ड स्कूल डील्स ओनली विद अल्टीमेट्स, दे ऑब्जर्व ओनली रिजल्ट ऑफ द डिजीज एंड दे डिनाई और हैव नो एक्नॉलेज ऑफ रियल नेचर ऑफ मैन, वॉट ही इज, वेदर ही केम फ्रॉम, वॉट इज क्वालिटीज इन सिकनेस और इन हेल्थ। मतलब उनका अल्टीमेट एम रहता है रिजल्ट ऑफ डिजीज पे काम करना और कैसे भी करके उस पर्सन को क्योर कर लेना, जबकि उनका रियल सिकनेस से कोई मतलब नहीं रहता है, जबकि रियलिटी में बीमारी वाइटल फोर्स के अंदर रहती है। दे एक्सेप्ट नथिंग बट वॉट कैन बी फेल्ट विद द फिंगर्स एंड सीन विद द आईज और अदरवाइज ऑब्जर्व थ्रू द सेंस एडेड बाई इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स। वो लोग, मतलब मॉडर्न मेडिसिन, ओनली इसी चीज पे बिलीव करते हैं जिनको वो फिंगर से टच कर सकते हैं या आईज से देख सकते हैं या फिर अदर इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना, इन्हीं सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं, वो वाइटल फोर्स जैसे कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते हैं। जबकि होम्योपैथी परसीव्स कॉज ऑफ इफेक्ट्स, जो कि हमारी होम्योपैथी है वो कॉज एंड इफेक्ट पे काम करती है। मतलब अगर कारण होगा वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट में तो उसका इफेक्ट है डिजीज, यानी उसका इफेक्ट है बीमारी होगी, तो हमारी होम्योपैथी कॉज एंड इफेक्ट पे काम करती है। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज सिक। तो डॉक्टर केंट कहते हैं, मैन इज सिक, नॉट हिज ऑर्गन्स, नॉट हिज टिश्यूज। द मैन इज सिक एंड हुज विल एंड अंडरस्टैंडिंग इज डिस्टर्ब्ड। यू मस्ट हैव हर्ड दैट अ पर्सन लीव्स हिज बॉडी बिहाइंड व्हेन ही डाइज। इफ यू डिसेक्ट द बॉडी वी विल फाइंड ओनली हिज ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा, बट एवरीथिंग वी यूज टू फील एंड सेंस अबाउट दिस पर्सन विल लेफ्ट बिहाइंड। अ लिविंग पर्सन सी फील्स थिंग्स एंड रिएक्ट्स, ही हैज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अ डेड बॉडी डज नॉट हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। द मियर बॉडीली ऑर्गन्स डू नॉट कंस्टिट्यूट अ पर्सन, द पर्सन इज मोर देन ऑर्गन्स और टिश्यूज। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक लिविंग पर्सन देख सकता है, महसूस कर सकता है, सोच सकता है और रिएक्ट कर सकता है, उसके सर्टेन लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं और उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट ये एक डेड बॉडी में नहीं होते हैं। जब हम एक डेड बॉडी को डिसेक्ट करते हैं तो उसमें हमें ऑर्गन, टिश्यूज, बोन्स, मसल्स ये सारे मिलते हैं, बट क्या वो पर्सन कैसा फील करता है, कैसा सोचता है, हम ये सब समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर केंट कहते हैं कि मैन इज प्रायर टू हिज ऑर्गन्स। मतलब एक मैन अपने ऑर्गन्स और टिश्यूज से कहीं बढ़ के होम्योपैथ परसीव कर लेते हैं कि देयर इज समथिंग एग्जिस्टेंस हैपेंड दैट विल रिजल्ट इन द टिश्यू चेंज। मतलब जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका एक प्रायर कॉज जरूर रहा होगा, जो कि होम्योपैथी में कॉज एंड इफेक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स इज नॉट एडमिटेड बाई द टीचर्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड देयरफॉर द होम्योपैथ सीज दैट द ट्रू फिजियोलॉजी इज नॉट येट टॉट, फॉर विदाउट द वाइटल फोर्स, विदाउट सिंपल सब्सटेंस, विदाउट द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल, एंड देयर कैन बी नो कॉज, नो रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। सो यहाँ पे बात हो रही है मॉडर्न फिजियोलॉजी के बारे में, जो पढ़ाया तो जाता है बट इट हैज नो वाइटल डॉक्ट्रिन इन इट्स टीचिंग। मतलब उसमें कोई भी वाइटल फोर्स का या सिंपल सब्सटेंस का कोई भी लॉ या टीचिंग्स नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि वो इतना ग्रो नहीं कर पाए अभी तक कि वाइटल फोर्स या कॉज या इफेक्ट के रिलेशन को समझ पाए। देन डॉक्टर केंट ने द एफोरिज्म नंबर 1 द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। डॉक्टर केंट कहते हैं कि एक ट्रू होम्योपैथ को पता होता है कि सिक क्या होता है,
इंसान सिक होता है ना कि उसके ऑर्गन्स या टिश्यूज सिक होते हैं. वेयर एज एलोपैथ डज नॉट नो व्हाट इज सिक, हु इज सिक. यहाँ पे जो होम्योपैथ होता है वो ऑब्जर्व करता है कि वंडरफुल चेंजेस जो कि पोटेंटाइज मेडिसिन देने के बाद देखे जाते हैं, और वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि क्रूड ड्रग्स देने के बाद उनके रिएक्शन जो कि एक सिक पर्सन को कभी हील नहीं कर सकते. दे आर नॉट, दिस इज समथिंग दैट एलोपैथी स्कूल डज नॉट एक्सेप्ट, ऑल्दो फिजियोलॉजी नॉट एबल टू एक्सप्लेन विदाउट सिंपल सब्सटेंस, विदाउट वाइटल फोर्स, विदाउट इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल. सो यहीं पे डॉक्टर केंट होम्योपैथी और एलोपैथिक में क्या डिफरेंस है उसे एक्सप्लेन कर देते हैं. डॉक्टर केंट सेज वी फाइंड मेनी पीपल हु सेज आई एम सिक, और वो बहुत सारे पेजेस के सिम्टम्स और सफरिंग्स बताते हैं, और वो कहते हैं कि दे ऑलरेडी विजिटेड न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट, और उन्होंने उनका हेड टू फुट एग्जामिन किया है, बट वे ये कहते हुए पाए गए हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है. दे आर नॉट सिक, दे हैव नो डिजीज. सो इफ द पैथोलॉजिस्ट डज नॉट फाइंड एनी सिम्टम्स, इट इज सेड बाय द लर्न डॉक्टर दैट यू आर नॉट सिक. बट उन सिम्टम्स का क्या करें जो उन्हें सिक बता रहे हैं, लाइक आई डू नॉट स्लीप एट नाइट, आई हैव पेन्स एंड एचेस, माई बवल्स डू नॉट मूव. अगेन डॉक्टर केंट एक नर्वस चाइल्ड का एग्जाम्पल देते हैं, और वह कहते हैं कि इट वॉज वाइल्ड ड्रीम्स, ट्विचिंग रेस्टलेस स्लीप, नर्वस एक्साइटमेंट, हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन, बट इफ वी एग्जामिन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वी विल फाइंड नथिंग द मैटर विथ हिम. दिस सिकनेस हाउएवर विच इज द प्रेजेंट इफ अलाउड टू गो ऑन अनक्योर्ड विल इन 20s or 30 years रिजल्ट इन द टिश्यू चेंज. मतलब अभी जो नर्वस चाइल्ड है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो वो परफेक्टली फाइन है, उसका कोई बीमारी नहीं है, बट क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो 20 to 30 years बाद ये जरूर एक डिजीज कॉज कर देगा उसमें. तब उसे मॉडर्न मेडिसिन डिक्लेयर करेंगी कि द पर्सन इज डिजीज, बट नाउ द इंडिविजुअल हैज बीन सिक फ्रॉम द बिगनिंग. मतलब वो पर्सन फ्रॉम द बिगनिंग से ही सिक है. डॉक्टर केंट कहते हैं रिडक्शियो एब्सर्डम, मतलब नथिंग एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज. मतलब कोई भी चीज विदाउट अ कॉज एग्जिस्ट नहीं कर सकती. इट इज अ सोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू हील द सिक, इट इज नॉट हिज सोल ड्यूटी टू हील द रिजल्ट ऑफ द सिकनेस बट द सिकनेस इटसेल्फ. यहाँ पे बात हो रही है कि हमें इंसान की बीमारी को ठीक करनी है, यानी कि जो वाइटल फोर्स में डी अरेंजमेंट हुआ है उसे रीअरेंज करना है, ना कि उसे उसके टिश्यू के ऑर्गेनिक चेंजेस को ठीक करना है. अगर हम उसके वाइटल फोर्स को रीअरेंज कर देंगे तो उसके साथ अपने आप ही उसका जो टिश्यू चेंजेस हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा. व्हेन द मैन हिमसेल्फ हैज बीन रिस्टोर्ड टू हेल्थ, देयर विल बी रिस्टोर्ड हार्मोनी इन द टिश्यूज एंड एक्टिविटीज. तो उस आदमी के वाइटल फोर्स में हार्मोनी होने से उनके टिश्यूज और एक्टिविटीज में भी हार्मोनी हो जाएगी. द सोल ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन टू पुट इन ऑर्डर टू द इंटीरियर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द विल एंड अंडरस्टैंडिंग कंजॉइंट. फिजिशियन की सोल ड्यूटी वाइटल फोर्स को रीअरेंज करने की तो होती ही है, साथ में जो इंटीरियर मैन है यानी कि जो टिप में मैन है जिसमें विल और अंडरस्टैंडिंग टॉप पर होते हैं, हमें उसे भी सही करना है. जब तक हम ये सही नहीं करते हैं तो तब उसके बाहर के टिश्यू चेंजेस भी सही नहीं होगा. टिश्यू चेंजेस आर ओनली द रिजल्ट ऑफ द डिजीज. मतलब जो वाइटल फोर्स का डी अरेंजमेंट हुआ है, टिश्यू चेंजेस बस उनका ही रिजल्ट है. हैनीमैन वंस सेड देयर आर नो डिजीज बट सिक पीपल. मतलब हैनीमैन ने कहा है कि बीमारी जैसी कोई चीज नहीं है, बस पीपल सिक हैं. मतलब बीमार लोग हैं, बीमारी कुछ नहीं होती है. Man consists in what he thinks and what he loves and there is nothing else in man. मतलब इंसान तब कहलाता है, इंसान वही होता है जो कि वो सोचता है, जैसा वो समझता है, जो जिस चीज़ से वो प्यार करता है, यही होता है इंसान. If these two grand parts of the man, the will and understanding, be separated, it means insanity disordered that. इंसान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं विल और अंडरस्टैंडिंग, जब यही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मतलब अगर उसकी विल और अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, तो इंसान में पागलपन और डिसऑर्डर और तरह तरह की बीमारियां और यहां तक कि डेथ भी देखने को मिल सकता है. इन दिस स्टडी ऑफ ऑरम वी फाइंड द अफेक्शन आर द मोस्ट डिस्टर्ब बाई द ड्रग, मैंस हाइएस्ट पॉसिबल लव इज फॉर हिज लाइफ. ऑरम सो डिस्ट्रॉयज दैट द ही डज नॉट लव हिज लाइफ, ही विल कमिट सुसाइड. मतलब ऑरम एक इंसान का जो जीने का जज्बा है उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है. मेंस हाईएस्ट पॉसिबल लव फॉर हिज लाइफ, वो ऑरम उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो
Sick is an individual suffering from a cascade of events that remains unnoticed before outward manifestation in the form of abnormal signs and symptoms. Sick is a person who needs to be treated homeopathically. सो गाइज़, ये थी वीडियो हमारी आज की होम्योपैथिक फिलॉसफी इन डॉक्टर जे टी केन्स लेक्चर्स के बारे में. तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें. और आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.